आप जिसको उठाकर लाओगी उसी का पर्चा निकलेगा। वो पिक्चर देख के क्या, तुम रुको मैं बुला रहा हूँ तुझे। हेलो दोस्तों, मैं आपसे बिना मिले, बिना आपसे बात करे आपका नाम किसी पेपर पे लिख दूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स उसमें लिख दूँ, तो आप तो यही समझेंगे कि एक चमत्कार है। एक 26 साल का लड़का जो आज की डेट में इतना फेमस हो चुका है, जहाँ वो जाता है वहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उस बागेश्वर बाबा। आज की डेट में इतना चर्चित नाम, उनका क्रेज़ लोगों के बीच इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या वो सच में चमत्कारी है या फिर कोई वो माइंड रीडिंग गेम खेलते हैं? पहले आप ये कुछ उनकी वीडियोस देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो सफ़ेद शर्ट वाली जो बहन जी, जी आ जाइए बहन जी। हाँ, इन्हीं को आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, माइक ले लो, बस 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 बहन जी। हाँ, माइक ले लो, माइक अच्छे से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। ओके, ठीक से बैठ। माइक, तुम्हें कैसे भरोसा था कि हम बुलाएंगे? सच में मुझे वहाँ पे मैं खड़ी थी, तभी मुझे लगा कि आप मुझे बुलाएंगे, और मेरा बोल रहा है मन वो पिक्चर देख के कि आप, तुम रुको मैं बुला रहा हूँ तुझे। मेरी बेटी को बहुत उम्मीद कि मामा आप जाओ, आप मिलोगे, मैं भी मिल लूंगी उनसे। और मैं दो दिन से आपको पता याद करती कि मुझे जाना आपके। अच्छा, माइक से ही बोलते जा। जी हाँ, मुझे दो दिन से लग रहा था कि मैं आपके धाम पे जाऊं, पर आप मीरा रोडी आ गए। जी हाँ, पूछो, पहले प्रश्न पूछो फिर आगे बढ़ेंगे। पूछो क्या प्रश्न, यहाँ आ जाओ, बोलो। मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ, क्या हो गया फैमिली? मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है और मेरा हेल्थ 4-5 साल से ख़राब है। जी, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही, कितना भी मेडिसिन खा रही हूँ। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं। ठीक, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी, आप बहुत बीमार हैं, जीवन उन्नत होगा। 2017 से शरीर में भयंकर दिक्कत बनी हुई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पागलों जैसी स्थिति, गंदे भाव विचार बने रहना जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे वजन घट रहा, लोगों ने धोखा बहुत दिया, इस कारण से चिड़चिड़ापन आया है। माँ भी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है। श्री बालाजी महाराज की। एकदम सही, एकदम सही है। आपको देख के मेरा जीवन धन्य हो गया है। एक तो ये कारण है, आपके पूरे परिवार को अलग करना चाह रहे थे, अब वो बर्बादी पे तुले, इसलिए बहन बहुत ज्यादा उपद्रव मचा हुआ है। आप अपने घर पर भगवती माता के नाम से अखंड ज्योति जलाओ, स्ट्रेस की दवा बंद हो जाएगी, हम मंत्र चिकित्सा कर देंगे, पेशी आप प्रारंभ कर दीजिए। ये बहुत हुआ है, 4 बार प्रयोग हुआ, ये कहलाता है, समझ गए? तो आप भगवान नाम जप बहुत करो। आपके ऊपर बल्कि ये चीज ये हुई थी, ये हुई थी, और एक दो बार आप कोशिश भी कर चुके हैं मरने की, ठीक है, और अपने मन से नहीं, कोई आपसे करवा रहा था, आपको चला रहा था। आप इसके पहले, अब तो बहुत कंट्रोल हो गई, इसके पहले आप घर में पागल हो चुकी थी। माइक ले लीजिए। हाँ, मैं पागल हो, आप पागल हो चुकी थी पूर्णतया, ठीक है, और दो बार आपने मरने की कोशिश भी की। हाँ, मैंने कोशिश की। और ये मरने की कोशिश, ये जो पागलपन हो, जो 2017 में दिक्कत बनी, ये पूर्व की घटित घटनाओं के कारण आपके दिमाग में बोझ बना, उसके पीछे रहस्य ये था, ये पढ़ा नहीं जा सकता, आप समझ जाइए, ये तो पढ़ लिया ना आपने, ये रहस्य था, इसी के कारण ये सब हुआ है। आगामी अब नहीं होगा, रक्षा कवच हनुमान जी का रहेगा, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ,
भगवान शंकर का जो मंत्र जाप आप करते हैं जोर जोर से, वो आप घर में अपने पूजा मंदिर में जो आपका स्थान है पूजा मंदिर में आपने एकदम शंकर जी का विग्रह रख रखा है, ठीक है, वहीं पर वर्तमान में कुछ दिनों से आपने दुर्गा जी को स्थापना छोटी सी की है, अभी आपने वो कुछ दिन पहले की, इसके पहले साईं बाबा को भी बहुत माना है, उनको भी माना, फिर गणेश जी को माना, गणेश जी, लेकिन अब आपने केवल शंकर जी और दुर्गा जी को पकड़ रखा है और घर में रात के समय जोर जोर से कीर्तन करते हैं। हाँ जी। और एक पुड़िया किसी ने दी थी वो भी वहीं पर रखे हुए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। अभिमंत्रित मंत्र की लिखी हुई पुड़िया वो भी वहीं पूजा स्थल पर रखी हुई है, उसको आप विसर्जित कर देना। मकान की जो किचन है जहाँ पर फूटी हुई कांच की एक बोतल रखी हुई है, हाँ। उस किचन की बोतल को हटा देना, तुम्हारे मकान के किचन में भी हम घूमे आए आशीर्वाद। तो देखा आपने कैसे उन्होंने उस सामने वाले पर्सन की सारी प्रॉब्लम्स हर चीज उस पेपर पर लिख दी, और वो बंदा भी यही कह रहा है कि हाँ ये बात सच है बाबा। आखिर ये है क्या, क्या वो सच में चमत्कारी है जो कुछ लोग उन्हें बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, ये माइंड रीडिंग गेम है? क्या 10 लाख लोगों के बीच में वो कहते हैं कि आप किसी को भी उठा के ले आओ, जिसको आप उठा के लाओगे उसी का पर्चा ही निकलेगा? पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी तक हम जिनको बुला रहे थे शायद वो हमारे हो सकते आपके कीड़ा के अनुसार, लेकिन हम 2 पर्चे बनाएंगे, आप पीछे से पुरुषों में महिलाओं में बूढ़े कमजोर आगल पागल जिनको लाएंगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा, और आपकी क्षमता नहीं है जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे, आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर के आ जाओ। और एक बात और, 2 पर्चे लिखेंगे और आप जिसके लिए जौन सा पर्चा कहोगे हम वही खोलेंगे, और वो जो क्वेश्चन करेगा उसका क्वेश्चन भी वही निकलेगा। जाओ हम पहले बना लें पर्चा, रुक जाओ। राम, साधु जी, ओ साधु जी, आप अपनी माइक ले लो, जिस माइक जो जौन सा चैनल हो, ताकि कल के दिन ये ना हो जाए कि ये अपरिचित हैं। हाँ, यहीं बैठे खड़ी रहो बहन, हम पहले लिख लें दोनों पर्ची लिख लें और जम बंद कर दें, इसके बाद आपको भेजेंगे, और आप वहीं जाओगी जिनके हम पर्चा बना चुके होंगे, और आप उनको ही लाओगी जिनके पर्चे लिखे रखे होंगे। ये कैसे होगा जाने हनुमान जी ना जाने हनुमान जी, लेकिन जो कहते भगवान नहीं होते दिव्य शक्तियां नहीं होती, लगा लो अपनी बुद्धि तो अपना तर्क, तुम्हारी ठटरी। शर्त एक है बहन, के पीछे से लाना है और आपके परिचय के ना हो, ठीक है? अच्छा बहन जी, आप स्क्रीन पर देख सकती हैं, ये हमने एक पर्चा बनाया, इसमें एक नंबर डाला है, स्क्रीन पर दिखाइए कितना नंबर है, कितना नंबर है? 1। देख लिया सबने? ये हमने मोड़ा, ये बंद कर दिया, ये रख लिया, अब बना रहे नंबर 2। राम, गुरुजी, साधु जी, बहन जी, न्यूज 18 वाली बहन जी, ये हमने दूसरा पर्चा बना लिया, इस पर्चे का नंबर पढ़िए स्क्रीन पर, 2। अब ये हमने दोनों पर्चे बना लिए हैं, इसको बंद करके रख दिया है, और ये हमने दफ्ती ली और ये दफ्ती भी रख दी है। अब आप जहां जाएंगी जिनको उठाएंगी उन्हीं के ये 2 पर्चे बने हैं, और जिनको आप भेजेंगी और उसके लिए जौन सा भी नंबर आप बोलेंगी उसी के लिए वही नंबर निकलेगा, और आपकी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है उसके अलावा तुम किसी को ले आओ, अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे, बिल्कुल जाइए। साधु जी, अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, अगर बागेश्वर हनुमान जी सहाय हो,
हाँ बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, अभी अभी हम ये पर्चा खोल रहे हैं। दो जय सिया राम। बहन जी जो तुम्हें अच्छे लगे, पहचान भर के ना हो, ले आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, पूरी मीडिया लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। लेकिन एक बात बोले, बिहार में यहां की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। अच्छा जो बताओ, तुम्हें कथा समझ में आ रही? आ रही कथा? बिल्कुल नहीं आ रही? अच्छी बात, आना ही चाहिए। आप ले आए हैं, दोनों लोगों को वहीं खड़ा कर लीजिए अपने पास। यहीं खड़े रहिए। इनमें से जिनको आपको पहले भेजना हो भेज दीजिए। रोगी को वहीं बैठा दो, इनको भरा जाने दो। दोनों हाथ उठाओ सब। अब देखते हैं इनका पर्चा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन जीतता है। हमारे हनुमान जी सदा जीतते हैं। आ जाइए। बैठ जाइए, थोड़ा नजदीक बैठिए। क्या नाम है रोगी का तुम्हारा? माइक ले लो। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? पहले नंबर का ही खोलिए। एक नंबर फाइनल? हाँ। के दो? एक ही खोलिए। एक, क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी एक नंबर का खोलो। दो तो नहीं खुलवाना? दो इनके लिए। अच्छा ठीक है। ये कितना नंबर? बालक है? हाँ, बालक है। पढ़े लिखे हो? हम पढ़ के बोले, विगत चार साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई हैं। गंसु कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए। क्या बात, एकदम सही बाबा, एकदम। कोई संदेह? चलो रो मत। ये झटका में आज से ही आराम लगेगा, पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने इसमें मंत्र लिखा, उसको आपको जो है जाप करना है। भभूति वहां से ले लो, हम सेना अभी भेज देते हैं। आप रोना बंद करो, जाओ। और दूसरी बात, घर में बहुत ज्यादा भय लगता है, डरता है, कोई दिखाई देता है, और यह बालक परेशान भी होने लगता है, शरीर से लार भी निकलने लगती है। और तीसरी बात, आपके आपने मकान का बंधन भी करवाया, कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत जगहों पर भी गए, बहुत कोई लाभ नहीं हुआ। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, वाणी और पर्चा मिथ्या नहीं होगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन आशीर्वाद है। नेक्स्ट, साथ में होगा बिटिया? ये बेटी साथ में है? आ जाने दीजिए, आइए माँ। अभी भभूति की मालिश करवा दो, वहां बैठवा दो। बस बस बस, रोते नहीं माता जी। बालाजी सब कुछ है, देखो बालाजी, बालाजी की दया, सब उनकी दया है। देखो उन्होंने बहन जी के माध्यम से कैसे बुलवा लिया। बोलो क्या प्रश्न है आपका, माइक ले लो। वो नहीं नहीं नहीं, हमारा नियम है दूर से ही बना, माइक ले लो। हाँ माइक ले लो, पूछो क्या प्रश्न है। पहले पर्चा की बात, बिना माइक के भी हो सकता है, लेकिन पूछ सकते हैं, माइक से भी पूछ सकते हैं। अब आप बताइए, कोई आपके सामने आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम से एक पेपर पर लिख दे और उस सारी बातें सच हो, तो आप क्या इस पर यकीन नहीं करेंगे? आप ये नहीं सोचेंगे कि यह तो सच में चमत्कार है? अभी बागेश्वर बाबा बिहार गए थे,
वहाँ पे 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी उनकी कथा में। सोच सकते हैं आप, 10 लाख लोग। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की थी कि अब आप यहाँ पे ना आइए, गर्मी बहुत है, आप घर बैठकर ही टीवी पे मेरी कथा सुनिए, टीवी पर, यूट्यूब पर मेरी कथा सुनिए। अब आपका इस वीडियो पे क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में? क्या वो फ्रॉड है, या वो माइंड रीडिंग गेम खेलते हैं, या वो सच में चमत्कारी है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोबारा मिलते हैं।